दिल्ली के आदर्श नगर में लूट के दौरान महिला की हत्या के मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपियों की पहचान 22 साल के मोहम्मद अकीबुल और 20 साल के शेख फरदीन उर्फ डबल अंडा के रूप में हुई है दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है आदर्श नगर थाने के क्षेत्र में कल रात हुए रॉबरी कम मर्डर के इंसिडेंट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है कल रात को लगभग पौने दस बजे एक पीसीआर कॉल आई थी जिसमें ये इतना मिली थी की एक लेडी को चाकू मार दिया है जिसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं इमीडिएटली पुलिस ने मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल भी पहुंचे और जहां पे पता पड़ा कि विक्टिम की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई है इस संदर्भ में केस एफआईआर अंडर सेक्शन 302 जीरो दर्ज किया गया और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टेकअप करी गई ऑफेंस की ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई लगभग दस टीम्स अंडर सुपरविज़न ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एंड पर्सनल सुपरविजन ऑफ द अंडरसाइन फॉर्म करी गई और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया गया मौके का इंस्पेक्शन किया गया जहाँ पे लगे हुए विसिनिटी के और पॉसिबल एंट्री और एग्जिट रूट्स के सीसीटी फुटेज चेक करे गए जिसमें यह पता पड़ा कि विक्टिम जब अपनी मदर के साथ मार्केट से लौट रही थी तो दो लड़के स्कूटी पर आते हैं और उनमें से एक लड़का उतरता है और विक्टिम को फॉलो करता है और उसके गले की चेन छीनने की कोशिश करता है विक्टिम इस अटेम्प्ट को रेजिस्ट करती है और उसको पकड़ने के लिए भागती है तो इसमें वो उसके ऊपर चाकू से वार करता है जिसमें वो घायल हो जाती है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम है फरदीन और अकीबुल ये दोनों जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं और क्रिमिनल्स हैं इस ऑफेंस में हमने जो वेपन जो चाकू यूज किया गया था इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसको रिकवर कर लिया है और साथ में जो स्कूटी पे ये कल्प्रिट्स आए थे उसको भी रिकवर कर लिया है इसकी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से और स्पीडी करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है जिसकी पर्सनल मॉनिटरिंग मेरे क्लोज सुपरविजन में होगी दिल्ली पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई दोनों के पास से एक लाल रंग की बाइक भी बरामद हुई है दरअसल आदर्श नगर इलाके में लूट का विरोध करने पर स्नेचर ने एक महिला को चाकू मार दिया था घटना के समय महिला के साथ उसका दो साल का बच्चा भी था घायल हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया था वहां इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि दो महिलाएं एक बच्चे के साथ गली में घुसती हैं थोड़ी देर में पीछे से स्नेचर आकर अचानक महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश करता है इस बीच धक्का मुक्की में महिला का दो साल का बच्चा जमीन पर गिर जाता है दोनों महिलाएं हिम्मत दिखाते हुए स्नेचर से भिड़ जाती हैं इस हाथापाई में स्नेचर जमीन पर गिर जाता है फिर उठते हुए वो दोनों महिलाओं पर वार करता है इस बीच एक महिला को चाकू लग जाता है छीना झपटी के बीच सामने से एक चौकीदार दौड़ता हुआ आता है लेकिन स्नैचर महिलाओं से ख़ुद को छुड़ाकर वहां से फ़रार हो गया था पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 25 साल की मृतक महिला सिमरन कौर पंजाब के पटियाला में रहने वाली थी करीब तीन साल पहले उसकी शादी हुई थी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सिमरन कौर की माँ पिता रहते हैं पिछले कुछ दिनों पहले वो अपनी दो साल की मासूम बेटी के साथ वो दिल्ली अपनी मायके आई हुई थी शनिवार को रात में सिमरन घर के पास से अपनी मां और दो साल की बेटी को गोद में लेकर स्थानीय बाजार में सामान खरीदने गई थी जानकारी के अनुसार मृतक महिला के पिता दलेर सिंह आदर्श नगर के गुरु नानक रोड स्थित ई ब्लॉक में परिवार के साथ रहते हैं वो फोटो स्टूडियो चलाते हैं उनके परिवार में पत्नी ममता बेटा मनप्रीत सिंह है दोनों बेटियां पूजा कौर व सिमरन कौर की शादी हो चुकी है जिनमें बड़ी बेटी पूजा की शादी कनाडा में हुई है विजय कुमार दिवाकर की रिपोर्ट अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें